हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बॉक क्रिएशंस। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं एस्चान क्लास 10 फिजिक्स बुक का रिव्यू। दोस्तों, इस सीरीज़ में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बुक्स भी आती हैं। बायोलॉजी की बुक का मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के बारे में, जानेंगे कि इस बुक का कंटेंट कैसा रहता है, क्या इस बुक के थ्रू आप इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो क्लास 10 फिजिक्स के लिए और आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो आज आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और ओवरऑल आपको पता चलेगा कि इस बुक का कंटेंट कैसा है, क्या ये बुक पढ़ने के बाद आपके जो फंडामेंटल्स हैं क्लास 10 साइंस के, इवेंचुअली फिजिक्स के, वो क्लियर हो जाएंगे, वो बिल्ड हो जाएंगे। ये सभी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बुक के कंटेंट्स को। पहला चैप्टर इस बुक में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फोर्थ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिफ्थ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिक्स द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद आपको MCQs मिलेंगे बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स इन साइंस फिजिक्स, NCERT बुक क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज विद आंसर्स। NCERT टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं क्लास 10 फिजिक्स में, वो सभी आपको यहाँ पे सॉल्व फॉर्म में मिल जाएंगे। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं थ्योरी वाले उनके आपको आंसर्स मिलेंगे, फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आंसर्स के साथ। तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा क्लास 10 फिजिक्स का, तो आपको पता ही होगा कि आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं इन टोटल। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस बुक में इन्होंने लाइट को 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, लेकिन वो एक ही चैप्टर है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस जो है वो लास्ट ईयर काफ़ी चेंज हुआ है, इतना भी नहीं हुआ वैसे, एक्चुअल में ये जो COVID-19 पेंडेमिक आया है उसकी वजह से सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया गया, कुछ चैप्टर्स डिलीट किए गए। अगर चैप्टर्स डिलीट नहीं किए गए तो कुछ टॉपिक्स घटा दिए गए, जिससे कि स्टूडेंट्स को आसानी हो एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि बेशक चाहे कितने भी चैप्टर्स डिलीट कर दिए जाएँ, कितने भी टॉपिक्स हटा दिए जाएँ, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक एक चीज़ पढ़ो जो क्लास 10 की साइंस में प्रिस्क्राइब्ड है CBSE और NCERT के द्वारा। बेशक ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो, या ये भी हो सकता है कि सिलेबस उतना ही रहे जितना कि लास्ट ईयर था, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिलेबस पहले जैसा हो जाए। तो आपको सभी कुछ प्रिपेयर करके चलना है। CBSE कभी भी अपना दिमाग बदल देता है, कभी वो अपने डिसीजंस को रिवर्स कर देता है, कभी नई चीज़ें, नई प्रोविजंस ले आता है सिलेबस में, तो इसीलिए आप CBSE पे डिपेंड नहीं हुई है। आप कोशिश ये कीजिए आप सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लो, चाहे CBSE आपसे कुछ भी पूछे। तो ये पहला चैप्टर है इस बुक का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बताया जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप के होते हैं वो आपको पता चलेगा, फिर ये सैम्पल प्रॉब्लम मिलेगी, ये NCERT टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बताया जाएगा, दोनों की डेफिनेशन मिलेगी आपको, एंड देन उसके बाद ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। उसके बाद आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 1 मिलेगी, ये सैम्पल प्रॉब्लम 2, इन दोनों के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक ओवर होता है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, MCQs और HOTS। MCQs और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला है। फिर आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है इसमें, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर, फिर ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल्स, सर्किट डायग्राम। तो क्लास 10 CBSE करिकुलम के अकॉर्डिंग ये बुक डिज़ाइन की गई है। तो जो जो टॉपिक्स आपको NCERT टेक्स्ट बुक में मिलते हैं, बस वही टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फ़र्क इतना है कि NCERT में आपको पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी मिलती है, ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है, चैन में आपको जो NCERT की थ्योरी है उसको ही एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड कैसे किया गया, थोड़ा सिंप्लीफाइड करके कंटेंट को बढ़ा दिया गया है। उसमें आपको केवल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया जाता है, इसमें आपको इलस्ट्रेशन मिल जाती है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स मिल जाते हैं, डेली लाइफ एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके अंडरस्टैंडिंग की पावर होती है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, आप अच्छे से समझ सकते हो और आपको लगता है कि ये कंसेप्ट तो काफ़ी आसान है पढ़ने के लिए। बहुत से लोग NCERT में कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं, क्योंकि NCERT की थोड़ी थोड़ी सोफिस्टिकेटेड रहती है, थोड़ी टफ रहती है, तो इस वजह से उनको दिक्कत होती है। और NCERT में, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस भी नहीं है जितने कि आपको किसी भी रिफ्रेशर मेनली एस्चान में देखने को मिल जाते हैं। तो इस बुक से आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है, क्योंकि आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मेनली मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। फिर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद आपको इस बुक में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, जो इस बुक की काफ़ी अच्छी बात है।
दूसरी अच्छी बात इस बुक की ये है कि काफ़ी कलरफुल कंटेंट रहता है, मतलब रंग बिरंगी ये बुक है जिससे आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। वहीं आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वो भी कलरफुल है लेकिन उसके विजुअल्स इतने अच्छे नहीं है जितने कि इस बुक के हैं। अब सवाल ये आता है, क्या एनसीईआरटी बिल्कुल बेकार है, कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं चाहिए? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी से अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि जो फिजिक्स क्लास 10 की एनसीईआरटी है वो आपके लिए सफिशिएंट है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी रिफ्रेशर बाय करने की। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एकेडमिक। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी टफ लग रही है, उसकी थ्योरी आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही, तो आप किसी भी रिफ्रेशर को बाय कर सकते हैं, चाहे वो एसचैंड हो, प्रदीप हो, ऑल इन वन हो, एग्जाम आइडिया हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, आप बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एक रिफ्रेशर खरीद ली, उसके बाद दूसरी खरीद ली, तीसरी खरीद ली, अब वो ये सोचते हैं कि चलो एक एक करके सबको कवर करेंगे। उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला, आपको केवल एक ही रिफ्रेशर पढ़नी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपको केवल एक ही रिफ्रेशर पढ़नी है एक टॉपिक के लिए। तो चाहे आप एसचैन पढ़िए, प्रदीप पढ़िए, कोई सी भी बुक पढ़िए, लेकिन उसको डेडिकेटेडली पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि ये बुक सफिशियंट है या नहीं, ये आप तय नहीं कर सकते, आपको केवल अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई सी भी रिफ्रेशर बाय कीजिए लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो एसचैन भी काफ़ी अच्छी है, अच्छी इसीलिए काफ़ी पुरानी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बुक को प्रेफर करते हैं। आप चाहें तो अगर मतलब कुछ नयापन लाना चाहते हैं, एवरग्रीन की कैंडिड सीरीज आती है, आप उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से अवेलेबल होगी नहीं, तो एसचैन से आपका काम चल सकता है। बाकी क्वेश्चन बैंक्स भी आती हैं, जैसे आप देखो एग्जाम आइडिया है, एड्यूकार्ट है, ओसवाल है, और भी काफ़ी सारी हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हों, ठीक है, बस आपको रिवीजन करना हो, क्वेश्चंस चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप इन क्वेश्चन बैंक्स को बाय कर सकते हैं। वैसे अगर आप एसचैन पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी रिफ्रेशर पढ़ रहे हैं जो एसचैन के पैटर्न पे डिज़ाइन की गई है, तो आपको कोई नीड नहीं है क्वेश्चन बैंक बाय करने की, आपका काम एसचैन या फिर इस जैसी बुक के साथ हो जाएगा। और चाहे तो आप ऑल इन वन भी बाय कर सकते हैं। ऑल इन वन मैं इसीलिए आपको रिकमेंड करूंगा, और वो मेरे लिस्ट में सबसे टॉप पे रहती है, क्योंकि उसमें आपको सब तरह का कंटेंट मिल जाता है, थ्योरी आपको मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मिल जाते हैं विद आंसर्स एंड सॉल्यूशंस, साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, और समरी मिल जाती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और आपको जो एक्टिविटीज़ गिवन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उसके भी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑल इन वन खरीद रहे हैं तो कोई बुक आप और मत खरीदिएगा, उससे ही आप अपना काम चलाइएगा, और एनसीईआरटी आपके पास है ही असिस्टेंस के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा कि एसचैन कैसी रहती है। अगर आप इसको बाय करना चाहें, बाय कर सकते हैं, 499 इस बुक की MRP, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे ये आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स भी आती हैं, आप उनको भी बाय कर सकते हैं, पूरा सेट बाय कर सकते हैं। बायोलॉजी का रिव्यू कर चुका हूं मैं, और आने वाले दिनों में मैं केमिस्ट्री बुक का भी रिव्यू कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा, आप जान गए होंगे कि ये बुक कैसी रहती है, साथ साथ आप ये भी जान गए होंगे कि क्लास 10 फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, कैसे आपको स्टडी करनी है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।